वीडियो में हम बात करेंगे 2023 को जितने भी पीपीओ होने वाले उनके बारे में जानेंगे। तो नंबर वन का जो जनवरी में पीपीओ का वो होगा अपना रॉयल रंबल 2023 जनवरी के एंडिंग में। उसके बाद होगा एलिमिनेशन चैम्बर फेम मिड फरवरी में, और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा अप्रैल के अराउंड रेसलमेनिया नाइट वन और नाइट टू। और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा सीधा डायरेक्ट समर स्लैम देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें शायद क्लैश द कासल देखने को मिलेगा। उसके बाद किंग ऑफ द रिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद अपना क्राउन जोल 2023 देखने को मिलेगा। उसके बाद सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम्स एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद इससे एक बार अपने क्या बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा पीपीयू प्रिपलेज ने कैंसिल कर दी है। डे वन में इन द बैंक हेलिन सेल एक्सट्रीम रूल्स से कुछ गिमिक पीपीयू है वो ट्रिपल एच ने अपने तरीके से कैंसिल कर दी है। ट्रिपल एच ने जो पुराने वाले पीपीयू है उन सबको रिटर्न करने की कोशिश की है। एज रिपोर्ट्स के मुताबिक जितने भी वो छः मेजर और पुराने पीपीयू आने वाले हैं जो सीधा वो जंप था सीधा रॉयल रेसलमेनिया सर्वे समर स्लैम के बीच उनके बीच एक दो या तीन पीपीयू आने वाले हैं। और उसके बाद हमें क्या बोलते हैं जनवरी की स्टार्टिंग में एक पीपीयू देखने को मिलेगा। और सीधा क्या बोलते उसके बाद सीधा रॉयल रंबल 2024